सलमान साहब एंड फखरी साहब मजा आ गया। मैं कहा था ना कोई मामूली लोग नहीं, बहुत खतरनाक लोग हैं, कमाल लोग हैं। खंजर रख के घूम रहे हैं ये और ये खंजर जुबा बन जाती है। लाओ, कौन है और क्या चाहते हैं? ये आते ही लाइट ऑफ तुम्हें भी ला रहा है इसका। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। मेरा नाम है राणा परवेज रशीद डोगरवल्द चौधरी मसूद भट्ट गुजर। आपका अपना जाती शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? यस। इस पे इतने नाम किसने लिख के दिया आपको? ये इस तरह लिखा गया, राणा परवेज रशीद डोगरवल्द चौधरी रहमत मसूद भट्ट गुजर। ये सारे लोग हैं क्या? बाहर ही बैठे हैं, फारग बैठे हैं, फारे में ले लिया। अभी एक मिनट में आ जाएंगे यार, उन्हें फारग लेने दो खुदा। अरे भाई, गुर्बत इतनी है, सब लोग वहाँ बैठे हैं। आप काफी है यार, खुदा के वास्ते आप बहुत है मेरे लिए। हेलो, उधर कहाँ जा रहे हैं? वो शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग हैं, उनकी तो ताश पे भी फोटो आती है यार। वो मौजिज़ लोग हैं, मौजिज़ शायर हैं। आप कौन है? आप अपना तारुफ कराइए, किस लिए आए हैं? बात यह है कि मैं एक फिल्म बना। कट करो भाई, किसको करूं कट? आप लेट आए हैं, ये शो शुरू हो चुका है, मैं बुक हो चुका हूं, आप गलत हैं। आप ये शो कर रहे हैं? हाँ जी। ये सुपर हिट हो सकता है। कैसे? अगर आप इसमें दो बारिश के गाने डालें तो। वो बारिश के गाने करेगा कौन? अरे भाई, ये आपने क्या पहना हुआ है? ये है शेरवानी। माफ कीजिएगा, ये आपको जच नहीं रही, इसको उतारे। लाचा कुर्ता पहन। अच्छा, इनके हाथ की खंजर होने चाहिए। किसके? इसको साड़ी पहना के और इनको आप बारीक चूड़ीदार पजामा, इनके हाथ में दे खंजर और यहाँ शूटिंग हो, बल्कि सफेद ड्रेस पहनो, हल्का सा यहाँ ब्लड लगाओ। दहशतगर्द डायरेक्टर, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? दहशतगर्दी की बात फैला रहे हो? ओए, आप तो बड़े ज़हीन आदमी हो। हाँ। वो तुमने मुझे अगली फिल्म का नाम दे दिया, दहशतगर्द गुज्जर। वाह 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 वाह, इससे मैंने 6-7 बातें और की ना, ये 20-25 फिल्मों के नाम गिनवा देगा ये आदमी। भाई आपका फेस भी, आपने कोई फिल्में बनाई है? मैंने बहुत फिल्में। आजकल कौन सी फिल्में बन रही है आपकी, नाम बताएंगे? देखिए, पहले फिल्में कुछ और बनती थी, अब चूंकि हालात खराब है, अब हम फिल्म बना रहे हैं खाने के ऊपर। अच्छा, लस्सी पुन्नू। लस्सी पुन्नू, जर्दे में रहने दो, जर्दे में रहने दो। बल्कि आज जिस फिल्म का इफ्तिताह हुआ है उसका है आज हांडी की पकाई। सालन को कोई नाम रखा है? जी, क्यों? सालन पे क्या नाम रखा है? सालन मस्त है। सालन मस्त है। आया सालन नाश्ते का पत्थर, आया सालन झूम के। आ, क्या नाम है आया साल? ये गोगलू कौन है यार? वो हमारे शायर हैं, खुदा के वास्ते। एक तो आप जबरदस्ती। अच्छा, ये हैं ऐसे या मेकअप से किया? ने मेकअप से नहीं, ये हैं कुदरती खूबसूरत हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़े हसीन हैं। आप पे ना कुदरती फिटकार, कुदरती खूबसूरती। यार तुम खुदा के वास्ते कोई अच्छी बात करो, तुम तो यहाँ गर्दनें काट रहे लोगों की। यार ये कौन है भाई? हेलो, अपना डायरेक्टर साहब, अपनी बनी आपकी पीपीपीपी। अरे मैं हूँ डायरेक्टर भाई। बहुत अच्छा फेस है तो मेरी बात मानो, इसको हीरोइन बना देंगे। आप ऐसे नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में? नहीं नहीं, मैं किसी को बुलाता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। मैं बस यहाँ से एक फिल्म बना के चला जाऊंगा। कट करो भाई, आपकी कोई फिल्म लगी हुई है? है? कहीं लगी है फिल्म? दीवार के साथ? नहीं यार, कहीं लगी आपकी फिल्म? जैसे मेरा ये शो लगा हुआ, आपकी कहीं फिल्म लगी? बेशुमार सिनेमा में फिल्में मेरी लगी हुई है। अच्छा, अगर आपको देखनी है तो आप फौरन उसकी एडवांस बुकिंग करा लें। हाँ, मैंने देखी। मैं आपको एक सहूलत दूंगा, 4 टिकटों के साथ 135 टिकटें फ्री। ये थोड़ी सी सहूलत है? ये हमारी डील है भाई। फिल्म में सिनेमा में तो 4 फैमिली आते होगी हाउसफुल। हाँ भाई, वाह, आप देखे हमारी फिल्म? देखे? मैं नहीं देख रहा भाई, इसीलिए फिल्में नहीं चलती है? दुखी हो गया भाई, फिल्में देखते नहीं इसलिए हमारी फिल्में नहीं चलती। पाकिस्तानी कौम को कब होश आएगी कि वो पाकिस्तानी फिल्में देखे?
ताकि रेवेन्यू आए और फिर अच्छी अच्छी फिल्में बने। आप फिल्म में हीरोइन आ सकती हैं, बल्कि मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ उसमें आप हीरोइन हैं। और आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ? क्या? उसमें मैं हीरो हूँ। ये खुशखबरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आपने सानिया उसके दिमाग पे फोड़ दिया है। ये आपके जहन में आ रहा है, उसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। जी नहीं, वहां के वास्ते आप चले जाइए यहाँ से। डायरेक्टर खुद हीरो होगा यार, ऐसी फिल्म बनेगी, कैमरे कैसे टिल्डअप होंगे? क्या ये क्या होता? टिल्डअप का मतलब समझते हो? नहीं पता, मुझे भी नहीं, मैंने भी सुना हुआ होता है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार को मैं फिल्म में नहीं लूंगा। चौकीदार पैसे नहीं देते, चौकीदार पैसे नहीं देते। आपको मैं हीरो लूंगा, आपने सिर्फ मुझे 47,000 रुपए देना है पहली शूटिंग। अच्छा, इस तरह से फिल्म में नहीं आती। आइए मैं आपको 47,000 दिलवाता हूँ। बंदा यही मौजूद है? यही मौजूद है। अकाउंटर यही? हाँ जी, 47,000 गिन के देना। अरे भाई पूरे देना, और उसमें 5,000। अब आप समझते हैं कि इसके बाद तो चाहे पीपी की आवाज आए नहीं आए, मैं थर्ड अंपायर के पास जाऊंगा। जो आया था ना वो दिमाग की दही कर गया। खवातीन हजरात, हम जाएंगे थर्ड अंपायर के पास, लेकिन जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे पाकिस्तान के नामवर लेजेंड्स। ये तो डायरेक्टर थे ना, ये खुद शाख्ता डायरेक्टर। इनको एक सपना आया कि मैं डायरेक्टर हूँ, ये डायरेक्टर बन गए। लेकिन मैं ऐसे डायरेक्टर से आपको मिलवाऊंगा जो बाकायदा डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। जो बच्ची कुछ इंडस्ट्री है अब उनके कंधे पे है। अब हमसे उनसे पूछेंगे आप कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे इंडस्ट्री को दोबारा खड़ी करेंगे। और उनसे आज हम बहुत ड्राई सवाल नहीं करेंगे, बहुत खुश्क सवाल नहीं करेंगे, मजे मजे की बातें भी करेंगे। तो आपकी जब हम जाएंगे वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनको बुलवाएंगे। तो हम चलते हैं थर्ड अंपायर के पास।